विज्ञान भारती एक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी शाखाएं भारत के लगभग सभी जिलों और पूरे देश में 36 प्रांतों में है। विज्ञान भारती का मुख्य उद्देश्य भारतीय छात्रों और आम जनता के बीच भारतीय विज्ञान का प्रचार और प्रसार करना है। इसके लिए विज्ञान भारती ने देश भर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये कार्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, संस्कृति शिविरों, विज्ञान मेलों, कार्यशालाओं आदि जैसे मंचों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। छात्र विज्ञान मंथन विज्ञान का आयोजन किया जाता है। भारत में पहली बार 2017 और 2019 में नागपुर में कुतूहल का आयोजन किया गया था और इसे शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। विज्ञान भारती विदर्भ प्रदेश मंडल भंडारा के साथ साथ आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ जेएम पटेल कॉलेज भंडारा के सहयोग से जेएम पटेल महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर 15 व 16 फरवरी 2023 को जिज्ञासा शीर्षक से भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 2 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक छात्रों, अभिभावकों, विभिन्न संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, आम जनता और भंडारा जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए निःशुल्क खुली है। पूरे भारत में और भंडारा जिले में दूसरी बार इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन भंडारा के संजय मुलकलवार द्वारा किया जाएगा, जो वर्तमान में तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन मुंबई के स्टेशन निदेशक है। उद्घाटन के अवसर पर विज्ञान भारती के राष्ट्रीय विवेकानंद पई भी उपस्थित रहेंगे। भंडारा के अन्य गणमान्य व्यक्ति VNIT नागपुर के निदेशक डॉक्टर प्रमोद पडोले, शशांक गर्ग, प्रशांत मिश्रा, शिक्षा निदेशक संजय डोलकर और रविन्द्र सोनटक के आदि प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। तर आपले इथे विभा स्टुडंट्स फोरम या नावाखाली आपण वैज्ञानिक आणि विद्यार्थी यांची भेट घडवून आहे। विद्यार्थ्यांना लॅबोरेटरीजमध्ये नेणं, त्यांना लॅबोरेटरी दाखवणं, एक वैज्ञानिक म्हणून कसं त्यांना बनता येईल वैज्ञानिक याची माहिती देणं, वैज्ञानिकाचं स्टेटस समाजामध्ये किती चांगलं असतं, त्यांच्याकडे किती मोठी जबाबदारीचं काम असतं, या सगळ्या गोष्टी आपण त्यांच्यावर आधीपासून बिंबवतो जेणेकरून त्यांनी पुढे वैज्ञानिक बनावं, रिसर्चमध्ये जावं आणि जेणेकरून समाजाला आपण काही उपयुक्त रिसर्च करून काही शोध लावून समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी ते काम करू शकतात। या दृष्टीने आपण त्यांना एक अँबॅसेडर म्हणून तयार करतो।